रात को बेड पर सोने से पहले मेरी बताई हुई एक्सरसाइज कर लीजिए, आपकी 36 की कमर 32 की हो जाएगी, वो भी मात्र 15 दिन में। एग्जैक्टली आज की वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई बहाना नहीं होगा कि ईशा मेरे को आलस आता है, मेरा उठने का मन नहीं करता, एक्सरसाइज कहाँ करूँ, जगह नहीं है। अगर ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आज के बाद आपका कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज और उसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारा बेली फैट को रिड्यूस करना, जो बहुत ही टफ काम है, वो रिड्यूस ही नहीं होता है। तो इसके लिए आपको बस अपने बेड पर मेरी बताई हुई एक्सरसाइज फॉलो करनी है और 15 डेज बाद अपनी हंसी खुशी के साथ बेहतरीन रिजल्ट कमेंट में शेयर कर देना है। डेफिनेटली आपको बहुत ह्यूज डिफरेंस मिलेगा, लेकिन 15 दिन आपको जो चीज़ें बताने वाली हूँ वो फॉलो करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो जान लीजिए, 15 दिन आप चीनी बिल्कुल इनटेक नहीं करेंगे, चाय कॉफ़ी कोई भी चीज़ में आप चीनी नहीं डालेंगे, बिस्किट्स नहीं लेंगे, आप चिप्स बाहर के नहीं खाएंगे, बाहर के पैकेट जूसेस वो इनटेक नहीं करेंगे, ना ही घर का जूस पियेंगे। वेजिटेबल जूस पीना हो तो पीजिए, नहीं तो आपको फ्रूट्स खाने हैं, फ्रेश फ्रूट्स प्लेट भरकर खाइए, लेकिन जूस में शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है तो ये इनटेक नहीं करना। सॉल्ट का आपने जो मात्रा है वो कम लेनी है। डिनर आपने 7 बजे से पहले कर लेना है, उसके बाद आपको डिनर नहीं करना। तो ये वेट लॉस प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो ये आपके स्किन पे एजिंग भी नहीं आने देगा, स्किन पे डलनेस भी नहीं आने देगा और आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा और रिजल्ट आपके बेली का बहुत ही बेहतरीन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए आप बेड का सहारा भी ले सकते हैं। अगर आप बहुत लेजी हैं तो आपका कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि आपके पास स्पेस नहीं है। आप बेड पर लेट लेट कर भी इन एक्सरसाइज को फॉलो करके अपने फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज है डोंकी किक। इस तरीके से आप अपने हैंड को बेड पर प्लेस करिए, देन उसके बाद अपनी लेग को इस तरीके से आपने ऊपर लिफ्ट करना है, देन वापस से जहां पर आपका लेफ्ट नी है वहीं आपको राइट नी को दोबारा से सेम पोजीशन में लेकर आना है, देन ऊपर दोबारा लिफ्ट करना है। ऐसा आपको कम से कम 20 टाइम्स करना है वन लेग पे और उसके आपने करने हैं 5 सेट्स। ये आपकी ग्लूट मसल को बहुत अच्छे से बिल्डअप करता है, अगर आपके वहाँ पे फैट है उसको रिड्यूस करेगा और साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लैटन हैं तो उसको बहुत अच्छी शेप देगा। तो इसकी रिपीटेशन करनी है आपने 15 टाइम्स और इसके करने हैं आपने 2 सेट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इस तरीके से आप अपनी लेग्स को दीवार के साथ सपोर्ट दे लीजिए और आपने करना है टो टच क्रंच। तो अपनी फुल फोर्स के साथ अपने हैंड्स को बैक साइड पे लेके जाते हुए अपनी बॉडी को आगे लिफ्ट करिए और अपने टो को टच करना है। ऐसा करने से आपका लोअर टमी अपर टमी बहुत अच्छे से रिड्यूस होता है और इससे आपकी लेग्स भी और आर्म्स भी टोन होती हैं। इसको आपको 15 टाइम्स रिपीट करना है और इसके आपने करने हैं 2 सेट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने करने हैं क्रंचेस। इस तरीके से आप बेड पर लेट जाइए, पीठ के बल अपने लेग्स को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, देन अपने दोनों हैंड्स को अपने हेड के पीछे लॉक करके आपने अपनी बॉडी को हाफ बेंड करना है। जब आप ऊपर अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे तो आपने ब्रीथ इन करना है, नीचे जाएंगे तो ब्रीथ आउट। ऐसा आपको 15 टाइम्स करना है और इसके करने हैं आपको 2 सेट्स। ये बहुत अच्छे से आपके टमी को रिड्यूस करता है और वहाँ की मसल को टोन करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपने हैंड्स को इस तरीके से बेड पे प्लेस करना है, अपने पंजों पर आ जाना है और अपनी वेस्ट को साइड टू साइड ट्विस्ट करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लैंक विद हिप डिप। ये बहुत ही अच्छा है आपके टमी के फैट को, आपके साइड फैट को रिड्यूस करने में। ये आपके पेट को बहुत ही सुंदर शेप देगा। ऐसा आपको 15 टाइम्स करना है और इसके आपको करने हैं 2 सेट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक। प्लैंक मिनिमम जो है वो 30 सेकंड से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 3 मिनट तक जाता है। जितना जल्दी अपने टाइमिंग को आप इंक्रीज करेंगे, अपने स्टेमिना को बिल्डअप करेंगे, उतना ही जल्दी आपकी ओवरऑल बॉडी के मसल्स को टोन करेगा, वहाँ के फैट को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्रॉस बॉडी माउंटेन क्लाइंबर। ये बहुत ही इफेक्टिव है। इस तरीके से अपने हैंड को अपने बेड पर प्लेस करें, देन वन लेग से क्रॉस में आप उसको लेकर जाइए और ऐसा आपको 15 टाइम्स करना है और इसके आपने करने हैं 2 सेट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके बेली एरिया के लिए, उसके फैट को ये बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। जब भी आप बेली की कोई भी एक्सरसाइज करते हैं आपने हमेशा अपने कोशिश करना है पेट को अंदर स्क्वीज करके रखना है हर एक्सरसाइज में।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको पीठ केवल मैट पे लेट जाना है और आपने अपनी राइट एल्बो से लेफ्ट नी को टच करना है और ऐसे ही आपने लेफ्ट एल्बो से राइट नी को टच करना है। ये बहुत ही अच्छा होता है बाइसिकल क्रंचेस। ऐसा आपको 15 टाइम्स करना है और इसके आपने करने हैं 2 सेट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ के बल लेट जाइए अपने बेड पर कंफर्टेबल होके, देन आपको करना है उसके बाद रिवर्स क्रंचेस। इसके लिए आप अपनी पूरी लेग्स को ऊपर लेकर जाइए, जहां तक आपका फेस है वहां तक ले जाने का ट्राई करें, अपने हिप को ऊपर लिफ्ट करें, देन उसके बाद डाउनवर्ड लेके जाएं। बट मेक श्योर कि आपके पैर बेड से टच ना हो। ऐसा आपको करना है 15 टाइम्स और इसके करने हैं आपने 2 सेट्स। जब आपकी लेग्स डाउन जाएगी तो ब्रीथ आउट, जब आपकी लेग्स अप होंगी तो ब्रीथ इन। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने पीठ के बल बेड पर लेट जाना है और अपनी लेग्स को इन एंड आउट करना है, अपने हैंड्स को पीछे इस तरीके से सपोर्ट देना है और उसके बाद जैसे ही आपकी लेग्स अंदर जाएंगी आपके चेस्ट तक तो आपकी चेस्ट आगे आ जाएगी, देन आपकी बॉडी भी पीछे जाएगी, अपर बॉडी और लेग्स भी आपकी डाउन साइड जाएगी। ऐसा आपको 15 टाइम्स करना है। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है सारी, प्लीज इनको मेक श्योर उतने ही सेट करें आप।